मैं करता आ रहा हूँ, सो मैं प्रोफेशनल बट नॉट इन पब्लिक. या विद अ स्ट्रेंजर, यस यस, बीन देयर डन दैट. एंड आई स्टिल रिमेंबर द टाइम बिकॉज शी यूज्ड टू लिव इन अ लाइक डिफरेंट कंट्री एंड शी एक्चुअली विजिटेड इंडिया लाइक रिसेंटली एंड आई वॉज देयर. हमारी बातचीत हुई, बातचीत काइंड ऑफ नहीं हुई थी, हम डायरेक्टली मिले, हम उसी डेट के दौरान बातचीत हुई एंड देन वी जस्ट हुक्ड अप देन एंड देयर. सो इट वॉज लाइक अ अननोन और अ स्ट्रेंज थिंग, यू कैन से नो नेवर. नो, इट्स वेरी स्ट्रेंज. इवन आई फील कि लोग कैसे करते, बिकॉज आई एम अ सिक्स फीट गाय, सो इट गेट वेरी डिफिकल्ट फॉर मी टू एक्चुअली थिंक कि वो पॉसिबल है कि मेरे लिए नहीं. फॉर दैट आई थिंक आई हैव टू जस्ट टेक अ प्लंज अगैन और ट्राई करना पड़ेगा, बट आई स्टिल फील कि वो मेरे लिए नहीं बना है. इट्स गेट वेरी डिफिकल्ट यू नो फॉर अ सिक्स फीट गाय मल्टीपल टाइम्स. आई रिसेंटली मूव टू मुंबई एंड आई एक्चुअली यू नो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स होती हैं. यू हैव टू समवेयर यू नो, आपको फ्रेंड्स को बोलना पड़ता है कि यार प्लीज़ अगर फ्री है तेरा रूम तो कैन आई जस्ट बोरो योर रूम फॉर फ्यू आवर्स और समथिंग लाइक दैट. सो इट्स लाइक इट्स वेरी कॉमन फॉर मी. सो या यस, आई स्टिल रिमेंबर इट वॉज अर्ली इन द मॉर्निंग, इट वॉज 5 एंड आई अज्यूम कि जो उसकी फ्रेंड थी, मतलब वो मेरी भी फ्रेंड थी, वो सो गई होगी, बट आई एम स्टिल नॉट श्योर. बट शी वॉज वेरी लाइक, उसने ऐसा कुछ भी डिस्टर्ब नहीं किया. अगर वो नहीं भी सोई होगी ना तो एक्चुअली वी मेड आउट देन एंड देयर विद माई पार्टनर, बट जैसे ही वी आर डन एंड उसने बोला आई थिंक आई हैव टू गो गाइज. सो आई थिंक वो उस जो टाइम पीरियड था ना उसमें काफ़ी ज़्यादा साइलेंट थी एंड मुझे आज तक लगता है कि वो जगी हुई थी, बट मेरी जो पार्टनर थी उसे लगता है कि वो सोई हुई थी. सो आई एम स्टिल नॉट श्योर कि क्या हुआ था. सो या या आई रिसीव्ड आल्सो इवन आल्सो बिकॉज जिस लड़की को मैं डेट करता था ना उसे बहुत ज़्यादा पसंद था यू नो एक्सपेरिमेंट करना. एवरी टाइम वी यूज्ड टू जस्ट बहुत सादा सादा ईजी वे उसे नहीं पसंद था, तो सम टाइम शी वाज लाइक नो आई वांट दिस, ऐसे कर, ये कर, वो कर. सो इवेंचुअली आई हैव टू यू नो इम्प्रोवाइज अ लिटिल बिट. सो लैप डांस आर समथिंग जो कि मैं करता आ रहा हूँ, सो मैं प्रोफेशनल बट नॉट इन पब्लिक. या नॉट द रॉन्ग पर्सन, मैंने भेजी तो है बट कभी ऐसा हुआ नहीं कि गलत इंसान को भेजी. बिकॉज मैं बहुत ही ज़्यादा चूजी और व्हेन इट कम टू सेक्सटिंग ना मैं बहुत सोच समझ के करता हूँ, मुझे ऐसा बहुत ज़्यादा वाइब नहीं आता उसमें. बट जब सामने वाला कहता है नहीं यार भेज दे यार, तो फिर कहता है चल ठीक है यार, खुश हो जा. यार आई थिंक दीज आर वेरी कॉमन एंड इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू हाइड, बट आई थिंक एक कंसीलर से काम हो जाता है. बट डिपेंड्स कि आप कहाँ जा रहे हो. फॉर एग्जाम्पल अभी आई एक्चुअली मेड आउट विद माई गर्ल और अभी मुझे जाना है किसी पार्टी में, तो मुझे ऐसा हिकी फ्लॉन्ट करना मुझे पर्सनली नहीं पसंद है. मैं कंसील कर लेता हूँ उसे यूजली नाउ एंड देन. नो आई डोंट थिंक सो, बट या आई स्टिल रिमेंबर द टाइम मैं जब कॉलेज में था, कॉलेज के सेकेंड ईयर में जो मेरी गर्लफ्रेंड थी मैं उसके घर पर था एंड वी आर एक्चुअली मेकिंग आउट इन द रूम एंड तभी उसकी मम्मी आ जाती है उस रूम में. शॉक्ड बिकॉज मेरे लिए उससे भयानक सिचुएशन मेरी लाइफ में नहीं थी, बट आई डोंट नो आंटी को क्या हुआ एंड वो वापस से गेट बंद करके चली गई. आई वॉज लाइक वाओ आई एम ऑन अ राइट प्लेस. बट उसके बाद मैं वापस घर पे कभी नहीं गया उसके, ना ही मैंने कभी मेड आउट करने की कोशिश की एंड उसके बाद हमारा ब्रेकअप भी हो गया. सो इट्स लाइक नो आई यूज द आई लाइक यू बट नेवर आई लव यू. आई सेव दैट लाइन फॉर माई नो नॉट लुकिंग फॉर दैट, नॉट माई कप ऑफ टी. मुझे नहीं करना है थ्रीसम, मैं खुश रहता हूँ अकेले, मुझे बहुत फील आता है, मुझे नहीं चाहिए किसी तरह का डिस्टर्बेंस. आई लाइक वॉचिंग. ओह दिस इज वेरी कंफ्यूजिंग. आई थिंक बोथ इन सम सॉर्ट, बिकॉज इफ द अदर पर्सन इज वेरी मच कीन, मतलब वो होता है ना एक नज़र, जब वो वाली वाइब आ जाती है ना देन आई लाइक के या मैं फ्लॉन्ट करूँ. बट मोस्ट ऑफ द केसेस आई लाइक वॉचिंग द अदर पर्सन मल्टीपल टाइम्स. You know, a suited guy, handcuffs, and sometimes you know, and because I come from a theater background, so it's very easy for me. It's my theater practice at night, so I practice very often. And I already mentioned ki jo ladki mein date karta tha, she was very much into you know, interesting stuff and all. I to enjoyed a very nice suited booted wala thing. It is actually inspired from 365 days wala scene, jisme you know. पूरा प्रॉपर सूटेड बूटेड होके यू आर कमिंग एंड इवेंचुअली इट हैपेंड बिकॉज यू आर एक्चुअली डूइंग समथिंग, शूटिंग फॉर समथिंग. फिर वो रोल प्ले में ही चला गया, हमने
चेंज करने की कोई जहमत नहीं उठाई, मैं कहते कर ही लेते हैं यार एक, जब रेडी हो ही गए हैं तो फिर यू नो इफ द अदर पर्सन नॉट ग्रूम्ड एट दैट टाइम, सो आई वाज लाइक अभी छोड़ देते हैं बाद में करेंगे. सो माय वाइल्डेस्ट फैंटेसी विल बी आई वांट टू मेक आउट विद माय गर्ल एट अ रैंडम होटल एट अ रैंडम बालकनी इन द सिटी ऑफ लव व्हिच इज पेरिस. सो आई कैन डेफिनेटली वांट टू हैव दैट एक्सपीरियंस फॉर श्योर.